हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेड ऑन कंप्यूटर्स, रेड ऑन वेब टीवी की तरफ से आज आपको हम एफएनडी कंपनी का T35X इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। और ये 2.0 की सीरीज़ में है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफएनडी कंपनी की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और 2.0 की सीरीज़ में ये सेट है, यानी कि दो स्पीकर्स हैं और एफएनडी कंपनी का है 8000 PMPO। इट मींस के इसके जो एक्चुअल वॉट्स हैं वो 80 वॉट्स हैं, और 80 वॉट्स को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे दो में तो एक सेट इसका 40 वॉट्स का है, दूसरा सेट इसका 40 वॉट्स का है। ब्लूटूथ इसमें 5.0 आपको मिल रही है, डिजिटल ऑप्टिकल इनपुट आपको मिल रही है, एंड सेकंड कैरोके यानी कि माइक का ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है। सेकंड इसमें LED डिस्प्ले है, USB कनेक्टिविटी है, रिमोट कंट्रोल है, FM है, तमाम तरह फीचर्स जो एक स्पीकर्स में होने चाहिए। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका प्राइस अपडेट आपको देते हैं, एंड सेकंड इसका रिव्यू आपको देते हैं, इसकी बॉडी, इसका मटेरियल और इसका टेक्सचर, इसके स्पीकर्स किस क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं उसको हम चेक करते हैं, देखते हैं, रिकमेंडेशन देंगे आपको। लेट स्टार्ट, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले इसके अंदर से ये सामान निकला है, सामान को भी खोल के हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एंड सेकंड इसमें आपका माइक आ गया है, वायरलेस, जैसे कि इसमें शो किया गया है, करो का ऑप्शन है, माइक का ऑप्शन है, वायरलेस माइक आ गया FND कंपनी का। ओके जी, इसको नीचे रखते हैं। नीचे रखने के बाद, क्योंकि वेट इसका ज़्यादा है, देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन वेट इसका ज़्यादा है, तो हमें नीचे से रखना पड़ेगा। ओके, ये आ गया आपका एक्टिव वूफर, पैसिव वूफर जनाब आ गए हैं। ओके, ये इसका एक्टिव सेट है और ये इसका पैसिव है, यानी कि ये इसका मास्टर है, ये इसका सेकेंडरी है। T35X की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपके लिए, और इसका प्राइस अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। इसका प्राइस अपडेट है 18,500 रुपीस इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में। एंड वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मजीद मॉडल की वीडियोस आपके पास आती रहें। सबसे पहले इसका कॉन्टेंट्स इसके चेक कर लेते हैं, सामान क्या क्या है इसके अंदर। ओके जनाब, यूज़र मैनुअल इसमें से निकलता है और वारंटी कार्ड निकलता है। यूज़र मैनुअल आप पढ़ लिया करें, बहुत ज़्यादा काम आता है ये, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कंपनी ने बताई होती है किस तरीके से ऑपरेट होगा। फुल लोडेड इसका रिमोट आ गया है, जिसमें बेस टेबल तमाम तरह फीचर्स के साथ है। फुल लोडेड इसका रिमोट आ गया है। सेकेंड, ये रिमोट के सेल हैं जो FND अपने तमाम तरह सेट्स में देता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है FND कंपनी की कि वो सेल लाजमी देता है। ये केबल है इसकी जो कि सिल्वर कलर में, ये केबल इन दोनों को आपस में अटैच करेगी, अभी मैं इसको ज्वाइंट करूंगा। सेकंड, 1+2 स्टैंडर्ड क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की, हाई ग्रेड की इसकी केबल है। 1+2 जैसा कि आप देख रहे हैं RC2 ऑफ चलाती है केबल। सेकंड, इन्होंने एक और दी है केबल जो RC2 RC है, 2+2। माइक इसमें देख लेते हैं, माइक का कंपनी ने सीरियल नंबर तक दिया है, इट मींस के क्वालिटी अच्छी है। वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, नॉर्मल है, लाइट वेटेड है। और इसके मुकाबले में अगर आधुनिक कंपनी के हम देखेंगे तो मेटल के आजकल वो बना रहे हैं और काफ़ी हैवी वेट में देते हैं वो। माइक की लेंथ माइक की काफ़ी अच्छी है, और मटेरियल जो है फुल प्लास्टिक में है, ये फुल प्लास्टिक मटेरियल में है, इसमें मेटल कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, ये इसका सिग्नल है। एंड सेकंड, इसमें जो सेल लगेंगे वो पेंसिल सेल आपको लगेंगे, छोटे वाले सेल लगेंगे, सॉरी इसमें बड़े लगेंगे, वाल के लाख में जो सेल लगते हैं वो दो सेल लगेंगे इसके अंदर। माइक की क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि माइक की फिनिशिंग बता रही है, माइक की फिनिशिंग अच्छी है।
अंदर माइक के इन्होंने फोम यूज़ किया है, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एयर आपको तंग करती है, आप किसी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं और एयर ज़्यादा लग रही है आपको, या आप आउटडोर में हैं, तो आप इसके अंदर जो है फोम इसके अंदर लगा सकते हैं, फोम का गेज आप बढ़ा सकते हैं, उससे आपकी एयर कंट्रोल हो जाएगी। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ साउंड के हवाले से। सेकेंड, ये इन्होंने आप देख सकते हैं इसका ये माइक है, और आप चाहें तो माइक को भी कवर कर सकते हैं फोम से, और उसके बाद आप इसको बंद कर दें। ओके, सबसे पहले इसका जनाब पैसिव स्पीकर खोल लेते हैं। इसमें इन्होंने जो रबर के ये फुट दिए हैं, इसके ऊपर इन्होंने स्टिकर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप स्टिकर हटा दें और जहां पे भी रखेंगे वहां ग्रिप कर लेगा, हिलेगा नहीं। अक्सर वूफर आपने देखा होगा मूव करते हैं वो। और इसमें जो टेक्सचर यूज किया गया वुड ग्रेन ब्लैक कलर में यूज किया गया, ब्लैक कलर का इसका टेक्सचर है और वुडन है, ग्रेन है। मैं भी आपको मोबाइल यहां पे रख के दिखा दूंगा। ठीक है, ये जो स्पीकर है ये F7700 में जो क्वालिटी यूज की गई है, गोल्डन कलर का पेपर यूज किया गया और कोन यूज की गई है, वही सेम क्वालिटी इधर यूज की गई है। और ये ट्यूटर इसके सिल्क डूम ट्यूटर है जो इसमें यूज किए गए हैं। एंड सेकंड ये है, ये एक जो स्पीकर है इसका और ये वूफर है, ये जो टोटल कैलकुलेशन बनती है वो 40 वॉट्स की बनेगी, मींस के ये 30 वॉट का इसका सब वूफर होगा और इसका जो स्पीकर है ये 10 वॉट्स का होगा, और ट्यूटर की कैलकुलेशन भी अपनी होगी, तकरीबन 5 वॉट्स का होगा ये। इसमें साइड में आप देख सकते हैं ये वूफर का इन्होंने कैबिनेट दिया है, और फुल प्लेन है बिल्कुल, टेक्सचर बहुत अच्छा है इसका। ओके, टेक्सचर बहुत सही है, टेक्सचर की असल में क्वालिटी हम साइड से, मैं ग्रिप इसलिए चेक करता हूँ क्योंकि अक्सर अगर किसी में ये ग्रिप खराब हो तो थोड़े अरसे के बाद ये यहाँ से उखड़ना शुरू हो जाता है, तो इसकी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने डबल पैकिंग यहाँ पर दी है, ये टेक्सचर इन्होंने अलग दिया है, साइड की बॉर्डर अलग दी है, बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, F&D कंपनी का सेट है। प्राइस 18,500, मेरे हिसाब से इसका रेट ज़्यादा है क्योंकि मैंने भी सेट ये खोला है तो मुझे आइडिया हो रहा है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आजकल जिस तरह पाकिस्तान में प्राइस अप हुए हैं, जो ऑडियोनिक का मैक्स 4 था वो आप देख सकते हैं 3,200 3,400 पे चला गया है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 18,000 में बहुत अच्छा सेट है 18,500 में। वायरलेस माइक कनेक्टिविटी ही तकरीबन 3,000 से 3,500 रुपये की कनेक्टिविटी है वायरलेस माइक की। ओके, ये इसका मेन आ गया, एक्टिव स्पीकर आ गया, इसमें USB फ्रंट पे दे दी है। सेकंड, ये स्क्रीन आ गई, LED लाइट आ गई, ये तमाम तर बटन से इसके जो कंट्रोल है, और बटन इन्होंने रबर के दिए, प्लास्टिक नहीं है, रबर है ताकि उंगली आपकी स्लिप ना हो, फिंगर से आप यूज़ करें तो स्लिप ना हो, सिलिकॉन के रबर्स कहलाते हैं। ये जो आपका सिल्क डूम ट्यूटर आ गया है, और इसमें भी इन्होंने साइड में ये दिया है वूफर। ओके, ये इसका सेकंड आ गया पार्ट। बैक पे आप देख सकते हैं इन्होंने ऑप्टिकल कनेक्टिविटी दे दी है, आप ऑप्टिकल से कनेक्ट कर सकते हैं आपके DVD, आजकल जितनी भी LEDs नई आ रही है सैमसंग की या पैनासोनिक वगैरह की या सोनी की, तो उसमें ज़्यादातर में ऑप्टिकल आ रहा है, तो आपका ऑप्टिकल का मसला भी हल हो गया। सेकंड, इसमें इन्होंने माइक की कनेक्टिविटी गोल्डन पिन माइक की दी है, कोरोजन कम आएगा इसमें, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है माइक की। सेकंड, ये आपकी इनपुट आ गई है और ये आपके इस स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी आ गई है। सेकंड, पावर केबल ठीक है, अच्छी एवरेज क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ये मैंने इस वक्त ऑन कर दिया है, ये वूफर आप देख, स्पीकर आप देख लें इसका, और इसकी नोज़िल आप देख लें, बहुत ही हाई फाई क्वालिटी की नोज़िल है इसकी, और जो कोन इसमें यूज़ की गई है इसका मतलब है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कोन है, पेपर इसका गोल्डन है, बहुत ही शानदार और एक्स्ट्रा लेंथ ड्यूरेबिलिटी के साथ है, और स्पीकर जो है वो पंच के साथ है, इसका मतलब है कि ये वूफर स्पीकर है। सेकेंड, इसका सिल्क डूम ट्यूटर है, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट आ गया है इसका।
ओके ये इसकी कैलकुलेशन है, आप इसका स्नैपशॉट निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तमाम तरह इसके फंक्शंस हैं बताए गए, फीचर्स इसके। इसका बैक पैनल आ गया है, बैक पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें माइक की कनेक्टिविटी आ गई है, जैसा कि मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल आ गया है, और ऑडियो इनपुट आ गई है। ये इस पर स्पीकर कनेक्ट कर दिया मैंने। ये इसकी कैलकुलेशन है, इधर वाजे नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूंगा इसमें वॉट्स कितने कितने यूज़ किए गए। ये इसका वूफर है, ये मैंने इसका कवर मैंने इसका हटाया है, जैसा कि इस पर लगा हुआ है कवर, ये मैंने हटाया है इसका। आप इसका सब वूफर देख लें, सब वूफर इसका 8 इंच का है, और 8 इंच के जो सब वूफर हैं ये तकरीबन 8 इंच के सब वूफर हैं, और सब वूफर इसमें डबल हैं 8-8 इंच के। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का काम हो गया है जनाब, बेहतरीन इसको मज़ा आएगा साउंड टेस्ट करने के बाद। इसका जंप आप देख रहे हैं, और इसमें जो कोन है इन्होंने प्लेट्स टाइप की कोन लगाई है, यानी कि इसको रोका गया है ताकि इसकी कोन इसकी जो क्वाइल है वो डैमेज ना हो जब ये हैवी बेस वाइब्रेट करेगा। गेज आप देख सकते हैं इसका जो यूज़ किया गया है, ये ऊपर का गेज है और अंदर इसका हाफ गेज है, यानी कि इसके अंदर जो MDF यूज़ किया गया है वो 8 mm का MDF यूज़ किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई है T35X FND कंपनी का, जिसमें ड्यूल सबवूफर है और ड्यूल स्पीकर्स हैं, ड्यूल ट्यूटर्स हैं, और टोटल आउटपुट जो है इसकी 80 वॉट्स है। प्राइस अपडेट हमने आपको इसका दे दिया है, तकरीबन 18,500 रुपीस है, ऑल ओवर पाकिस्तान दस्तियाब है, कहीं पर भी आप दे सकते हैं। बल्कि FND की प्रोडक्ट तो ऑल ओवर कंट्री, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपको मिल जाता है इसका स्टॉक इजीली। इसके साउंड टेस्ट की वीडियो हमारे इसी लिंक पर, इसके डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के लगने के कम से कम थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद आपको मिल जाएगी, और आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। माइक की परफॉर्मेंस भी आपको चेक करवाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।